कांग्रेस आज कन्याकुमारी में एक मेगा रैली से अपनी 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण की समस्याओं और विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में ये रैली कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि पर प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के हिसार से मेक इंडिया नंबर वन अभियान की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस अभियान के तहत देश के कोने कोने में जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें मिलकर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है और इसके लिए सबको साथ आना होगा। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मिशन 2024 जारी है। मंगलवार को उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम और अखिलेश से भी मुलाकात की। साथ ही नीतीश हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला से भी मिले। उन्होंने लेफ्ट के सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ भी आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि वो बिहार से आगे देश का मॉडल बनाने में जुटे हैं। ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब हम नहीं है, हम तो सब लोगों को एक करने में बिहार मॉडल को देश भर में लागू किया जा। बिहार मॉडल क्या चीज है, हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं। 2024 के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने की नीतीश की कवायद पर बीजेपी ने हमला बोला। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार बाढ़ में डूब रहा है और नीतीश कुमार सियासी टूर पर घूम रहे हैं। बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर। इसके पहले KCR भी 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली कई बार कर कैंप कर चुकी है, अब नीतीश जी भी आए हैं। तो चुनाव का मौसम है, चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, ये सारे दल जो हैं वो पॉलिटिकल पर्यटन पर टूरिज्म पर निकले हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी दफ्तर में अध्यक्ष JP नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। मंत्रियों ने अमित शाह और JP नड्डा को जानकारी दी कि उन्हें जो हारी हुई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी उसमें कितना काम हुआ। बीजेपी ने एक पोर्टल बनाया है जिसमें सभी मंत्रियों को जानकारी डालनी है। मंत्रियों ने उस पोर्टल में डाला है कि विजिट के दौरान उन्हें क्या क्या देखने को मिला। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा। दिल्ली NCR के साथ साथ लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और मुंबई में भी छापेमारी की गई। शराब घोटाले के सबूत खंगालने के लिए ED ने कुछ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापा मारा। ED के छापे पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले CBI के छापे में कुछ नहीं निकला, अब ED के छापे में भी कुछ नहीं निकलेगा। इन्होंने CBI के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ED के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे, ये CBI यूज़ कर लें, ED यूज़ कर लें, हर चीज़ यूज़ कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी। UP में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें यूपी से बुलाए गए मदरसों के प्रिंसिपलों के साथ चर्चा की गई। बैठक में जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर सर्वे ठीक तरीके से किया जाता है तो विरोध नहीं होगा। जमीयत की बैठक में कहा गया कि मदरसों को शक की नज़र से देखा जाता है। उधर यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अहमद अंसारी ने कहा कि मदरसों का सर्वे उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट्ट और कोकब दूरी और बशारत नबी के रूप में हुई है। दोनों आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकियों ने मई 2021 में 2 नागरिकों की हत्या की थी। बेंगलुरु में भारी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में राहत मिलने की उम्मीद भी कम है।
मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश में लोगों की बढ़ती मुश्किलों के बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश को नाक से दी जाने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन मिल गई है। इसे हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी भी दे दी। वैक्सीन की खुराक 18 साल से ज्यादा के लोगों को दी जाएगी। इसके आखिरी फेज के ट्रायल पिछले महीने ही पूरे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर नेजल वैक्सीन को बड़ी उपलब्धि बताया।